देखें वेवर्स, इसको हमने भिगो लिया है, इसको जितना ज़्यादा भिगोएंगे उतना अच्छा है, ठीक है। पानी में थोड़ा थोड़ा सा झाग बन जाता है जब आपने भिगोना है, तो कम 12 घंटे है, वैसे आप 16 घंटे भिगो लेंगे तो बहुत अच्छा हो जाता है, और जितना ज़्यादा भीग जाए उतना अच्छा। ये देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त निकल के आया, अब हम तोतों को डालेंगे। Assalamualaikum, आप देख रहे हैं पैराडाइज बर्ड्स इंफॉर्मेशन ऑफिशियल और मैं अदील अदर। जिस तरह से आप लोगों के लिए नई नई इंफॉर्मेटिव वीडियो लाता रहता हूँ, भाई इस वीडियो को भी आप एंड तक देखिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आप लोगों ने वेजिटेबल्स वाली देखी वीडियो, बहुत अच्छी आप लोगों ने उस पर रिमार्क्स दिए, तो कुछ लोगों ने कहा था कि भिगोने वाले दाने में क्या क्या देना चाहिए, अदील भाई वो भी आप बताएं। तो इसमें मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या भिगो के देना होता है। तो मेरा कैमरा आपको दिखाएगा करीब से, ये देख सकते हैं, ये लाल लोबिया है, ये सफ़ेद लोबिया है, ठीक है, ये काला चना है। इसमें आप मोटा भी ले सकते हैं, मुझे अभी मोटा मिला नहीं था, मोटा चना लेंगे आप, सही है। और अगर परिंदे आपके छोटे हैं तो फिर आप छोटा चना ले लीजिएगा, इशू नहीं है। और अगर बड़ा भी हो तो वो तोड़ के दे सकते हैं आप छोटे परिंदों को। इसके बाद ये मूंग की दाल है, ठीक है, ये आप दे सकते हैं। इसके बाद ये गंदुम है, और ये मूंग की दाल वो होती है जो चकोर वगैरह को भी दी जाती है। गंदुम दे सकते हैं आप, मकई दे सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आप लाल चावल दे सकते हैं, ज्वार दे सकते हैं, ठीक है। ये देखें मैंने इन सबको भिगो लिया है, ये देखें कैसा हो जाता है भीगने के बाद, ठीक है। इसमें इस कम से कम आप कोशिश करेंगे कि 14-16 घंटे भीगे ये, जितना ज़्यादा भीगता उतना अच्छा हो जाता है। थोड़ी सी आपको स्मेल आने लगे तो पानी चेंज कर दें, ठीक है। और अगर आपके परिंदे छोटे हैं, मतलब ऑस्ट्रेलियन वगैरह ये हुए हैं, तो इसको आपको थोड़ा सा तोड़ के देना पड़ेगा, इस तरह से करके तोड़ के देना पड़ेगा, सही है। अब आप देख सकते हैं कि अच्छी चीज़ें इतनी ज़्यादा होती हैं, तो आप फिर गलत गलत लोगों के मशवरे पे अमल ना करा करें कि ख़राब फीडिंग या ये चीज़ें मत दिया करें, ठीक है ना। नई नई चीज़ें वो नहीं करा करें, ये चीज़ें चली आ रही हैं, काफ़ी टाइम से चली आ रही हैं और अच्छी हैं। ये हर बंदा दे रहा होता है इनको, मतलब यानी कि अक्सरियत में अगर आप देखें तो 100% लोग दे रहे होते हैं। देखिए ये भी खा रहे हैं मेरे पास, जो मेरे पास एक पैदर प्रॉब्लम वाली मादा आई है, इंशाल्लाह इसकी भी मैं आपसे प्रोग्रेस शेयर करूँगा। ब्रीडर मादा है, ये भी खा रहा है, दूसरे टॉकिंग वाले भी मेरे खा रहे होते हैं, सब खा रहे होते हैं। कम से कम कोशिश करनी है, आपने 12 घंटे भीगे ये, लेकिन अगर 15 घंटे 16 घंटे भीगता है, जैसे अगर आपने कल देना है सुबह में, तो आप इसको जो है आज दोपहर में या शाम में भिगो सकते हैं। उसके बाद पानी में थोड़ा थोड़ा सा झाग बनने लगता है तो पानी चेंज कर दें, आप साफ़ पानी कर दें। उसके बाद ये आप अपने परिंदों को डालेंगे तो बहुत अच्छा खाएंगे, उनकी हेल्थ के लिए अच्छा है। जो लोग मुझसे कह रहे थे कि यार सूखे की बीमारी हो रही है बच्चों को, और जो सेल्फ फीड पे बच्चे आ रहे होते हैं उनके लिए ये बहुत बेहतरीन होता है, वो बहुत आसानी से खाते हैं। जो नियर टू सेल्फ होते हैं बच्चे, जो 2.5 महीने के 3 महीने के, उनको आप थोड़ा ले लें, मतलब ये तो मैंने, मेरे पास तोते ज़्यादा हैं 40-50 है, तो मैं उस हिसाब से लेता हूँ। आप ये थोड़ा ले लें तो ये आप उनको देंगे छोटे वाले बच्चों को, तो उनके लिए बहुत बेहतरीन होता है, सही है। इसको किस तरह से भिगोना है मैंने सारा आपको बता दिया, और इंशाल्लाह फीड पे मिक्स दाना कैसे बनाते हैं वो नेक्स्ट पार्ट में ज़रूर बनाऊंगा। इस पर आप 1500 लाइक करेंगे तो फिर इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट पार्ट बनाऊंगा, सही है व्यूअर्स। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो भी मेरी और वीडियो की तरह से आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। इस वीडियो के लिए हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।